बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। इस गीत के बगैर न तो किसी बारात का समा बजता है और न ही यार दोस्तों की महफिल जमती है और न ही प्रेमी प्रेमिका का मिलन पूरा होता है। आज भी जब बारात दरवाजे लगती है तो बैंड वाले इस गाने को जरूर बजाते हैं और बारात में शामिल लोग खूब झूमते हैं। ये गीत 1966 में रिलीज हुई फिल्म सूरज का है। इस गीत को गाने वाले महान गायक मोहम्मद रफी की आवाज की ये खासियत है कि 56 साल से भी अधिक समय बाद भी इस गाने का क्रेज कम नहीं हुआ है। ये गीत गीतकार हसरत जयपुरी की कलम और शंकर जयकिशन के संगीत के कमाल का एक नायाब नमूना है। इस वीडियो में मैं इस सदी के सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे श्रेष्ठ फिल्मी गीत करार दिए जाने वाले इस गीत के बनने के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इस वीडियो में फिल्म सूरज के गीतों के बारे में जानेंगे और जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, विशाल कैनवास और भव्य सेटों वाली फिल्म सूरज 25 मार्च 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन टी प्रकाश राव ने किया था और निर्माण एस कृष्णमूर्ति ने टी गोविंद राजन के साथ मिलकर किया था। सरकार होश तो आपको देखते ही उड़ गए, अब तो बेचारा दिल उड़ने की फिक्र में है। क्या? इस फिल्म ने 5 करोड़ का बिजनेस किया और 2.5 करोड़ का मुनाफा कमाया था और इस तरह से ये साल 1966 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। IBOS.com के अनुसार अगर आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम 500 करोड़ बैठती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दी गई थी। उल्फत के बिना पीता चेहरा तेरा रंगी। फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन बनी थी वैजयंतीमाला। फिल्म सूरज राजेंद्र कुमार की अंतिम हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में मुमताज, अजीत, जॉनी वॉकर, ललिता पवार, नीतू सिंह आदि ने भी भूमिकाएं निभाई थी। जी हाँ, जितना आपको देखता हूँ उतनी ही ज्यादा हसीन नजर आती हैं आप। फिर गुस्सा की? मजबूर हूँ। ये फिल्म जब बनी थी तब एक तरफ गायकी की दुनिया में मोहम्मद रफी का जलवा था तो अदाकारी के मामले में राजेंद्र कुमार यानी कि जुबली कुमार का जलवा था। कहा जाता है कि सूरज बनाने का आइडिया राजेंद्र कुमार का ही था। उन्होंने इस फिल्म के निर्माता एस कृष्णमूर्ति को 1961 में मद्रास में हुई एक मुलाकात के दौरान इस फिल्म को बनाने का आइडिया दिया था। फिल्म सूरज के पहले राजेंद्र कुमार की फिल्में रोमांस और मेलोड्रामा से भरी होती थीं। राजेंद्र कुमार ने एस कृष्णमूर्ति से कहा कि अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आप मुझे लेकर ऐसी फिल्म बनाइए जिसमें लड़ाई हो, तलवारबाजी हो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो, राजकुमार को राजकुमारी से मोहब्बत हो और राजकुमारी ऐसी हो कि बस लोग देखते रह जाएं। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमार ने सूरज की राजकुमारी अनुराधा के रोल के लिए वैजयंती माला का नाम सुझाया। उनके हिसाब से वैजयंती माला एक राजकुमारी की तरह दिखती थी। राजेंद्र कुमार ने कृष्णमूर्ति को एक और सलाह दी और वो ये कि इस फिल्म को रंगीन में बनाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा खर्च भी करना पड़ेगा। से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर कृष्णमूर्ति ने जुबली कुमार की हर बात मानी। कुछ समय बाद इस पर काम शुरू हुआ। एस कृष्णमूर्ति ने टी गोविंद राजन के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। बड़े बड़े भव्य सेटों और बड़े कैनवास पर बनी ये रंगीन फिल्म 1966 में रिलीज हुई। से समझाऊं, बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया। फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। शैलेंद्र ने जहां देखो मेरा दिल मचल गया और तितली उड़ी उड़के चली गीत को कलमबद्ध किया था। हसरत जयपुरी ने कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, इतना है तुमसे प्यार मुझे, चेहरे पर गिरी जुल्फें,
बहारों फूल बरसाओ और वो एक बार आता है दिन ऐसा जैसे 5 गाने लिखे। ये सभी गाने लोगों के दिलों पर खूब छाए और फिल्म जबरदस्त पसंद की गई। जाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया। इस फिल्म के गाने बहारों फूल बरसाओ को उस दौर में 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। पहला अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड हसरत जयपुरी साहब को मिला। दूसरा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए शंकर जयकिशन को मिला और तीसरा अवार्ड इस गाने को आवाज देने वाले मोहम्मद रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में पार्श्व गायन कैटेगरी में लता मंगेशकर के 2 गानों को भी नॉमिनेट किया गया था। लता मंगेशकर के गाए इन 2 गानों में एक गाना फिल्म गाइड का गाना आज फिर जीने की तमन्ना है था और दूसरा गाना फिल्म 2 बदन का लो आ गई उनकी याद। लेकिन रफी साहब के गाए गाने बहारों फूल बरसाओ ने हर तरह से बाजी मार ली। बजाओ रंग बिखराओ। गौरतलब है कि उस समय तक फिल्म फेयर अवार्ड में सिंगर्स की कैटेगरी में एक ही अवार्ड था। यही नहीं, संगीतकारों की श्रेणी में सूरज के संगीतकार शंकर जयकिशन का मुकाबला गाइड के संगीतकार SD बर्मन और 2 बदन के संगीतकार रवि के बीच था, लेकिन अवार्ड शंकर जयकिशन ने जीता। गीतकारों की कैटेगरी में सूरज के गीतकार हसरत जयपुरी का मुकाबला 2 बदन के संगीतकार शकील बदाउनी और तीसरी कसम के गीतकार शैलेंद्र के बीच था, लेकिन हसरत जयपुरी को बहारों फूल बरसाओ के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। गौरतलब है कि सूरज के गीतकारों में शैलेंद्र भी शामिल थे। इस तरह संगीत के मामले में सूरज के इस गीत ने हर तरह से बाजी मार ली। जरा तुम दिल को बहला। साल 2013 में BBC रेडियो ने सर्वे के आधार पर हिंदी फिल्म इतिहास के अब तक के 100 सर्वश्रेष्ठ गीतों की जो सूची तैयार की, उसमें सूरज का ये गाना पहले नंबर पर रखा गया। ये गाना जब से आया तब से अब तक हर शादी में बजाया जाता है। मोहम्मद रफी का ये गाना तब हिंदुस्तान के हर कस्बे, हर शहर और हर महानगर में बजा और खूब बजा। रेडियो बिना का गीतमाला में तो लंबे समय तक बजा और उस साल पहले पायदान पर रहा। ये गीत लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया। इस गीत की लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि इस गीत के गायक गाते नहीं थे बल्कि शब्दों को जीते थे। उनके गीत युवाओं की धड़कन, उनके एहसास की अभिव्यक्ति का माध्यम थे। ये उनका जादू ही है जो ऐसे गीत वर्षों बाद भी हम सबके सिर चढ़कर बोलता है। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया। ये फिल्म शंकर जयकिशन की अंतिम सफलतम फिल्मों में प्रमुख थी। इस फिल्म में शंकर ने एक नई नवेली गायिका शारदा को मौका दिया था और शारदा के गानों ने खासकर तितली उड़ी उड़ जो चली ऐसी धूम मचाई कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी स्थापित गायिकाओं का सिंहासन हिल गया था। तो दोस्तों, आप मोहम्मद रफी साहब के इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये गाना आपको कैसा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।